नमस्कार जी, जय हिंद। मैं हूँ रौनक, इंडिया वेस्ट इंडीज स्पेशल रणतंत्र में वेलकम। लेकिन अब देखो, कुछ स्पेशल बचा नहीं है। समझ नहीं आ रहा दोस्तों, कहाँ जाकर मुंह छुपाए। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जब वेस्ट इंडीज क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, तब मैं ही था जिसने छाती ठोक कर ये कहा था कि हमको तो वेस्ट इंडीज जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहां जाकर कोई फायदा नहीं है, रिजल्ट सबको पता है। लेकिन अब सच में रिजल्ट पता चल रहा है तो भाई, स्कूल वाले रिजल्ट से भी ज्यादा बुरा लग रहा है। कल का मैच जब से हम हारे हैं ना, अपने आप को यही बोल बोल कर समझा रहा हूँ कि कोई बात नहीं, वेस्ट इंडीज T20 में तो उनसे हार ही सकते हैं हम लोग। उन लोगों ने वर्ल्ड कप में क्वालिफाई तो नहीं किया है, T20 में तो बढ़िया टीम है। लेकिन फिर खुद को दिए गए मेरे झूठे दिलासे बैकफायर करके जब मुझे याद आया कि वेस्ट इंडीज वाले तो पिछले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। यानी हम T20 और वर्ल्ड कप में क्वालिफाई न कर पाने वाली टीम से एक ही दौरे पर दो अलग अलग फॉर्मेट में हार गए। और मजे की बात है कि हम हारे हैं हार्दिक पंड्या की ही कप्तानी में। वही हार्दिक पंड्या जिन्होंने एक वक्त पर सीना ठोक कर ये बात बोल दी थी कि इंडिया इस वक्त 2-3 टीमें बना सकता है और वो सारी टीम कोई ना कोई टूर्नामेंट जीत सकती है। पिछले 1-2 सालों में इंडिया की सबसे ज्यादा जो ट्रोलिंग हुई है वो हार्दिक पंड्या के इसी बयान की वजह से हुई है। T20 वर्ल्ड कप 2021, एशिया कप 2022, T20 वर्ल्ड कप 2022, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 2023, और अब तो बायलैटरल सीरीज में वेस्ट इंडीज के खिलाफ हम लोग हार रहे हैं। अगर कप्तान पंड्या को लग रहा है कि 2-3 टीमें बनाकर भी इंडिया दुनिया का कोई भी टूर्नामेंट जीत सकती है, तो यकीनन जिस टीम के साथ उन्होंने वेस्ट इंडीज में खेलना है ना, वो 9वें या 10वें ग्रेड की टीम रही होगी। नहीं, एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। मैच का हाल बताते हुए बीच बीच में रेंट कर लेंगे, ठीक है। वेस्ट इंडीज वालों ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का फैसला लिया, जो कि मेरे हिसाब से उनका दिन का पहला गलत फैसला था, क्योंकि जब आपकी मजबूत बैटिंग है तो आप चेस क्यों नहीं करेंगे। खैर, मैच खत्म होने तक वेस्ट इंडीज ने हमारी सोच की बत्ती बना दी। लेकिन वेस्ट इंडीज की शुरुआत इतनी अच्छी नहीं रही थी। इस दौरे पर अपना पहला मैच खेल रहे चहल ने पहली 3 गेंदों में वेस्ट इंडीज के 2 विकेट लेकर हमें यह एहसास दिलाया कि शायद वेस्ट इंडीज वाले वनडे के बाद अब T20 में भी ऑल आउट हो जाएंगे। लेकिन जिस ओवर को हम अपने लिए टर्निंग पॉइंट मान रहे थे, वो वेस्ट इंडीज के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया, क्योंकि पूरन तो अलग ही मूड में थे। पहले उन्होंने चहल को उसी ओवर में पेला, फिर अक्षर पटेल की भी अच्छी खासी मार पड़ी, और देखते ही देखते वेस्ट इंडीज ने पावर प्ले में एक हेल्दी टोटल खड़ा कर लिया। स्पिनरों की पिटाई लगते देख पंड्या को तेज गेंदबाजी लगानी पड़ी। पूरन ठंडे जरूर हुए, लेकिन आउट होने से पहले 34 में 41 बना लिए। पूरन के बाद कप्तान पॉवेल ने अच्छी पारी खेली, 32 में मैच का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर 48 बनाकर वो आउट हुए। वेस्ट इंडीज बढ़िया टोटल तक पहुंचती दिख रही थी, लेकिन डेथ ओवरों में अर्शदीप और डेब्यू करने वाले मुकेश कुमार ने बढ़िया गेंदबाजी करके वेस्ट इंडीज को 149 तक रोक लिया। लेकिन हेलो, आपको कोई नहीं रोक सकता हजारों रुपए जीतने से। कैसे? कीवी ऐप पर। डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक दिया है, सबसे पहले तो कीवी ऐप को डाउनलोड कर लो। और इंडिया तो मैच हार गई, लेकिन आप जीत सकते हो हजारों रुपए इसी मैच से जुड़े सवालों के यस या नो में जवाब देकर। आज ना थोड़ा टाइम चेंज करते हैं, रात को 9 बजे आएंगे हम लोग, ठीक है। कीवी ऐप पर रात को 9 बजे लाइव आएंगे और पहले T20 से जुड़े कुछ सवाल आपसे पूछेंगे। यस या नो में जवाब दो, कोई एंट्री फीस नहीं है, फ्री 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 में खेलो और हजारों रुपए जीतो। लेकिन उसके लिए पहले आपको कीवी ऐप डाउनलोड करना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया। और रात को 9 बजे, टाइम चेंज हुआ है क्योंकि 10 बजे तक कई लोग थोड़ा सा लमलेट हो जाते हैं, सो जाते हैं, इसलिए रात को 9 बजे आज थोड़ा टाइम चेंज करके देखते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को अच्छा लगे, ठीक है, 9 बजे आना। लेकिन उससे पहले कीवी ऐप डाउनलोड करना, डिस्क्रिप्शन में जाना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और हमें लग रहा था भैया 150 का टारगेट इंडिया के लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब की बार इंडिया के ओपनर गिल और ईशान किशन ने हमारी सारी उम्मीदों की बत्ती बनाकर वापस थमा दी। सूर्य कुमार यादव भी वनडे में सक्सेसफुल होने के इतने ज्यादा मूड में है कि T20 क्रिकेट में भी 100 की स्ट्राइक रेट से वनडे की इनिंग खेल दी। सिर्फ एक डेब्यूटेंट तिलक वर्मा थे जिन्होंने 3 छक्के लगाकर मौज कराई और अपने पहले मैच में 22 गेंदों में 39 बनाकर इंप्रेस किया। लेकिन हमारी असली फजीहत तब हुई जब हमें 30 गेंदों में मात्र 37 चाहिए थे और हार्दिक पंड्या और संजू सैमसन दोनों क्रीज पर थे। लेकिन 16वां ओवर डाल रहे होल्डर ने पहले हार्दिक को बोल्ड मार दिया, उसके बाद संजू भी उसी ओवर में रन आउट हो गए और ओवर भी मेडन चला गया। बस फिर क्या था, ऐसे तो बरेली में झुमका भी नहीं गिरा था जैसे हमारी टीम गिर पड़ी। अक्षर पटेल छक्का लगाने के चक्कर में आउट हो गए, हर्षदीप सिंह ने भी थोड़ी उम्मीद बांधी, इंडिया को काफी करीब भी ले आए, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ 150 रन बनाने में अगर आपकी उम्मीद हर्षदीप सिंह से लगी हुई है तो समझ लो बाकी के बल्लेबाजों ने कैसा काम किया है। नतीजा यही हुआ कि टीम इंडिया 4 रन से मैच हारी, सीरीज में 1-0 से पीछे हो गई। हार्दिक भैया ने मैच के बाद बोला कि नई टीम है, थोड़ी गलतियां तो करेंगी। चलिए मान लिया हार्दिक भाई, लेकिन साल भर पहले आपने ये बोलने की क्या जरूरत थी कि 2-3 टीमें बन जाएंगी और कोई भी टूर्नामेंट जीत जाएंगे। खैर, जो हो गया सो हो गया। आप लोग कम से कम अपना दुख कम कर सकते हो, कैसे? कीवी ऐप डाउनलोड करके। और ये जो मैच हारे हैं ना, उसी मैच से जुड़े कुछ आसान से सवाल पूछूंगा यस या नो में जवाब देकर। रात को 9 बजे, 10 बजे नहीं, 9 बजे कीवी ऐप पर आप आना, क्विज खेलना फ्री में, कोई एंट्री फीस नहीं है और हजारों रुपए जीत सकते हो, ठीक है। तो ज्ञान दिखाओ, पैसे कमाओ, कीवी ऐप पर आओ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, ऐप को डाउनलोड करो, चैनल भी सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।